Hello everyone. Welcome to Creativity. कैसे हैं आप लोग आई होप कि अच्छे से होंगे आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मेरा कुकिंग यूटेंसिल कलेक्शन एक्चुअली मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना तो मेरे कुछ कढ़ाई कुछ कुकर ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि मैंने ये कहाँ से लिए हैं और उनका लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ हालांकि मैं हर कमेंट में सबका लिंक्स या बता देती हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगा कि एक गुड आइडिया है कि सबको कलेक्ट करके मैं एक साथ इस वीडियो में आपको दिखाऊँ ऑलमोस्ट मुझे एक साल हो गया है अपनी सब चीज़ों को यूज़ करते हुए जो भी मेरे स्टेनलेस स्टील कुकवेयर कलेक्शन है और जो मैंने अदर टूल्स लिए थे जो मेरे किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं अपनी वीडियो और हाँ अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो प्लीज इसको लाइक किए बिना जाना मत क्योंकि आपका एक एक लाइक ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आऊँ तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं मेरा कुकवेयर कलेक्शन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी इंडियन किचन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स जो कि हैं कुकर्स और कुकर के बिना इंडियन किचन में काम नहीं चलता है तो मेरे पास ये थ्री कुकर हैं जिसमें से ये जो ब्लैक वाला कुकर है ये है हॉकिंस का और हार्ड एनोडाइज है तो इसमें आप मतलब थ्री लीटर का है और इसमें आप अगर जूना वगैरह कुछ भी देंगे तो ये ख़राब नहीं होता है और इसीलिए नॉन स्टिक कोटिंग नहीं है तो ये सेफ है बेसिकली और यहाँ पे जो सेकंड कुकर है वो है ये मेरा प्रेस्टीज का जो कि मैंने लास्ट ईयर लिया था और इसकी जो खूबसूरती है उसको देखकर मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई थी तो इसके साथ ये लीड भी आई है ये पोट की तरह काम करता है लेकिन अगर कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो अपने जो ओल्ड स्टाइल कुकर है ना वो ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगते हैं आफ्टर यूसेज में आपको मतलब ये रिव्यू दे रही हूँ अदरवाइज़ देखने में अगर बात करें तो ये सुंदर ज़्यादा लगता है और थर्ड वाला जो कुकर है ये है डेढ़ लीटर का कुकर जो कि दो लोगों की और तीन लोगों की दाल के लिए परफेक्ट है तो अगर कभी कम सब्ज़ी या दाल बनानी हो तो उसके लिए छोटा कुकर भी किचन में होना ज़रूरी है तो ऐसे ये तीन कुकर हैं जो कि मेरी हेल्प करते हैं मेरी किचन में कुकिंग में नेक्स्ट मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगी हमारी और हर किसी की किचन के मेन मेम्बर से जो कि हैं कढ़ाई तो ये मेरे पास तीन कढ़ाई हैं तो जिसमें से ये ट्री कढ़ाई है प्रेस्टीज की और जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो इसके लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आती है और इसके रिव्यू में आप लोगों के साथ शेयर करूं ये प्रेस्टीज की है इंडक्शन बेस्ड है कढ़ाई लिड के साथ आई है हैवी बॉटम है और बाकी आप लोगों ने डिटेल बॉटम में देख ली होगी और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कढ़ाई और मेरा एक और लेने का प्लान है तो आप इस कढ़ाई के लिए जा सकते हैं प्राइस में अभी इन लोगों का मुझे याद नहीं है ये मैंने एक साल पहले ली थी बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीज़ों के लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं सेकेंड कढ़ाई है ये मेरी लोहे की कढ़ाई है जो कि मोस्ट पॉपुलर कढ़ाई है जब भी मैं यूज़ करती हूँ बहुत बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी और आई एम रियली रियली हैप्पी विथ दिस कढ़ाई अगेन मुझे एक और कढ़ाई लेनी है छोटे वाली लोहे की तो वो मैं यही लेने का प्लान कर रही हूँ क्योंकि ये नॉन स्टिक की तरह काम करती है और हैवी बॉटम है बहुत ज़्यादा हमारे काम आती हैं। थर्ड कढ़ाई है अगेन स्टील की और काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है इस कढ़ाई की तो मोस्ट ऑफ़ द ब्रेकफास्ट में यूज़ होती है तो बेसिकली जो तीनों कढ़ाई हैं वो मतलब हमारी किचन की मतलब मोस्ट यूज़फुल चीज़ें हैं और जो कि मतलब मैं हैप्पी हूँ अपनी तीनों चीज़ों से आयन की कढ़ाई को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी यूज़ करें इसको अच्छे से वॉश करके इसके ऊपर ऑयल लगा के रख रख दें तो हमारी जो कढ़ाई है वो मेंटेन रहती है तो आप हमें अगर मेरी कढ़ाई देख रहे होंगे तो ये थोड़ा सा ऑयली है तो इसको मैंने ऐसे ऑयल लगा के रखा हुआ है ताकि मेरे नेक्स्ट यूज़ के लिए ये एकदम परफेक्ट रहे बाकी ये काम नॉन स्टिक की तरह करती है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ले सकते हैं नेक्स्ट है हमारे किचन के मोस्ट यूज़फुल यूटेंसिल्स जो कि हैं भिगोने और आप अब लोग बोलेंगे कि मतलब नेहा भी क्या दिखाने लग गई भिगोने ये भी कोई दिखाने की चीज़ है बट ये बहुत यूज़फुल है हैं क्योंकि आजकल बहुत हैंडल वाली चीज़ें चल रही हैं लेकिन अगर मैं कंफर्टेबल की बात करूँ तो भिगोने बहुत कम्फर्टेबल होते हैं हमारा इसमें दूध बनता है राइस के लिए घी बनता है हैवी बॉटम है ये और किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकते हैं कड़े भिगोने में हम बिरयानी बना सकते हैं तो अगर जो लोग न्यू हैं न्यू न्यू अपनी किचन बसा रहे हैं जो न्यूली मैरिड हैं तो उनके लिए मैंने ये दिखाए हैं कि ये बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि हैंडल वाले जो बर्तन होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं नो no डाउट लेकिन जब आप एक साथ गैस पर रखते हैं ना तो हैंडल वाली चीज़ों को मेनटेन मतलब करना बहुत टफ़ हो जाता है चारों एक साथ नहीं आ पाते हैं और फ्रीज़ में भी काफ़ी जगह घेरते हैं तो भी आप देखें हमारे इस वाले भिगोने में मतलब दूध गर्म हो रहा है अभी तो मैंने आपको ये तीन ही भिगोने चार भिगोने दिखाए हैं ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे भिगोने हैं सारे बर्तन नहीं निकाल के लेके आ रही वरना सब लोग बोलेंगे कि तुमने क्या बर्तनों की बरात लगा दी क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है कि ये थोड़ा सा ओल्ड आइडिया भी लगे बट नहीं ये बहुत यूज़फुल हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग अगेन बाय करें ना तो भिगोने मतलब विनोद के ही बाय करिएगा और इंडक्शन बेस बाय करिएगा बहुत बहुत यूज़फुल होते हैं और नेक्स्ट हैं टी लवर्स के लिए ये टी पैंस जो कि मतलब सबके घर पे अवेलेबल होंगे ही तो मेरे पास ये दो हैं हैंडल वाले जो कि बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों की चाय बनाने में और उसके बाद है ये मेरे बड़े भिगोने के छोटे छोटे बच्चे जो कि हमें काम आते हैं दही जमाने में भी काम आते हैं लेफ़्ट ओवर फूड रखने में भी काम आते हैं और सबसे बड़ी बात है जब एक या दो कप चाय बनानी हो तो हम लोग इन्हीं में बनाते हैं क्योंकि बड़े फिर निकालते हैं नहीं हैं क्योंकि मतलब इनमें कम्फर्टेबल रहता है तो मैंने सोचा कि एक बार आपको दिखा दे नेक्स्ट है मेरी मसाला दानी जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत पसंद आती है और जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना तो सब लोग बहुत तारीफ करते हैं ये काफ़ी हैवी मेरी मसाला दानी है और ट्रांसपेरेंट है तो इसके लुक को सुंदर तो बनाती है और अंदर के जो लेयर है वो मसाले गिरने से बचाती हैं और ये है कटोर दान ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये यूज़ होता है बेसिकली ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे हैं लेकिन मैंने एक निकाला है आपको उसका यूज़ बताने के लिए इसका यूज़ आप सूखा आटा रखने में कर सकते हैं रोटी बनाने के टाइम पापड़ रखने में कर सकते हैं कोई भी आप मीठा बनाएं गाजर का हलवा वगैरह तो हम लोगों का जो स्वीट है वो इसमें मतलब खाली करके हम लोग फ्रीज में रख देते हैं तो फ्रिज में ऐसे गिरने का भी डॉ नहीं रहता है और मतलब ऐसे स्टील के जो कटोरदान होता है ना उनका बहुत सारा यूसेज रहता है आप मतलब लड्डू वगैरह बना के इनको फ्रीज में रख सकते हैं तो इंडियन किचन में मतलब कटोरदान होना जरूरी है और नेक्स्ट है मेरा इडली कुकर जो कि सब लोगों को काफ़ी पसंद आता है और ये लिए बहुत हेल्पफुल है ये भी मैंने लास्ट ईयर लिया था इसमें 15 इडलीज़ एक साथ बन जाती है और इसके साथ दो स्टीमिंग प्लेट आई थी और सॉरी दो ढोकला प्लेट आई थी और दो ए, एक आई थी इसके साथ स्टीमिंग प्लेट और इसका काफ़ी हैवी बॉटम है और मतलब काफ़ी अच्छा है तो मतलब मुझे पसंद आया था मैंने अमेजोन से लिया था और काफ़ी हम लोगों की हेल्प करता है क्योंकि हमारे यहाँ पे इडली डोसा ढोकला काफ़ी ज़्यादा बनता है तो इसके साथ ऐसे मैंने इसलिए लिया था ये वाला क्योंकि इसमें जो ऊपर प्लास्टिक वाले जो हैंडल है ना ये मतलब पकड़ने में गर्म नहीं होते हैं बाकी मैंने दो तीन और मंगाए थे उस में अगर कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा था उसमें भी मैंने आपको रीज़न दिया था कि मैंने जो अपने इडली स्टैंड हैं वो मैंने चेंज क्यों किए थे और नेक्स्ट है हमारी ये हांडी सेट तो हमारे पास ये फ़ाइव हांडीज़ हैं तो ये मैंने आपको पहले भी अपने यूटेंसिल हॉल में दिखाई थी और कुछ लोगों ने ये देख कर ली भी थी तो उनको मतलब काफ़ी पसंद आई थी तो ये मैंने इस रीज़न से ली थी एक्चुअली आजकल माइक्रोवेव का आपको पता है कि ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है तो हम इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह खाली करके रख सकते हैं और जब हमें खाना है तो गर्म कर सकते हैं गैस पर तो इस रीज़न की वजह से मैंने ये हांडी ली थी और ये एक्चुअली मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और देखने में तो सुंदर लगती लगती हैं अभी रिसेंटली मैंने एक लंच रूटीन शेयर किया है उसमें मैंने ये हांडी सेट दिखाया था तो उसमें सब लोगों को मतलब अच्छी लगी थी तो उन्होंने बोला था कि डाइनिंग टेबल पर रखी हुई काफ़ी अच्छी लग रही हैं बाकी कॉमन है और आई नो कि मोस्ट ऑफ द घर में होंगी ही होंगी तो मैंने इसलिए दिखाया कि मतलब आप ले सकते हैं क्योंकि इनका जो बॉटम है वो भी काफ़ी हैवी है अगेन नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी हमारे किचन के मस्ट हैव टूल्स जो कि है ये तड़का पैन ये भी फचरा का है और काफ़ी हैवी है और मैं इससे काफ़ी हैप्पी हूँ तो हैवी बोटम है इसका भी और साथ में जो तवा है ये भी फोचुरा का है और इसकी जो कोटिंग है वो भी नहीं मतलब निकलेगी गारंटी है इसकी भी और सब कुछ मिला था मैं गारंटी कार्ड्स वगैरह इसका और सॉरी वारंटी कार्ड मिला था और इसको मतलब कैसे भी क्लीन कर लो ये ख़राब नहीं होता है नेक्स्ट है ये फ्राइंग पैन जो कि मतलब इसका मटेरियल अलग है ये भी अगेन नॉन स्टिक नहीं है लेकिन काफी अच्छा है ये दिखने में भी अच्छा लगता है और आपको पता है कि इंडियन किचन में कितना हेल्प करता है और नेक्स्ट है मेरी ये प्रेस्टीज की हांडी जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली मैंने ये बिरयानी बनाने के लिए ली थी और आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में ये देखी भी है और काफ़ी लोग इसके बारे में पूछा भी है लिंक भी मांगा है तो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में तो प्रोवाइड करती ही करती हूँ बाकी आपको इसका जो लिंक है वो मेरे आ, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और ये बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे ना चीज़ें थोड़ा ट्रेडिशनली बनाना पसंद है और अगर बिरयानी हांडी में बनाई जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है और ये भी अगेन काफ़ी मतलब इसकी कैपेसिटी है और काफ़ी गहरी है अंदर से और देखने में तो सुंदर लगती ही लगती है तो बहुत सुंदर मेरी ये हांडी है तो अगर आप किसी का हांडी लेने का मन है तो आप इसके लिए जा सकते हैं प्रेस्टीज की है एट लास्ट ये है किचन के छोटे मोटे से निक नैक्स जो कि किचन में काफ़ी काम आते हैं जैसे जिंजर ग्रेटर और ये एक मैंने झर ली थी पकौड़ी और कुछ नमक पारे वगैरह उतारने के लिए तो इस टाइप की मतलब काफ़ी हेल्प करती हैं और बीटर है यानी मेरा स्टीमर है जो कि मतलब काफ़ी हेल्प करता है इसका एक पंख मतलब निकल गया हो मैं लगा लेती हूँ जब मतलब मुझे यूज़ करना होता है एक्चुअली अभी दिख नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ आप लोगों से क्या छुपा हुआ है आप तो मतलब मेरी फैमिली के मेम्बर ही हो बाकी पोटैटो मैशर आपको पता है कि किचन में यूज़ होता है तो छोटी सी निक नैक चीज़ें हैं तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ तो चलिए ये था मेरी किचन का यूटेंसिल्स होल जो कि हमारी कुकिंग में हेल्प करता है आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक किए बिना जाना मत अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब करें और आप भी हमारी छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाइए तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ तब तक आप रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल ख्याल बाय बाय टेक केयर बाय बाय